हे गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं प्यारे बच्चे? सो मैं हूं यशपाल और आप देख रहे हैं आपका सुपर अमेजिंग चैनल जस्ट नीड, वेयर यू लर्न एंड वैल्यूएट थ्रू कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। सो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। कल था हमारे पास लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने पढ़ा था कौन सा टॉपिक पढ़ा था कल? हमने न्यूक्लियस पढ़ना शुरू किया था, तो न्यूक्लियस के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। डीएनए में यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डीएनए चीज आपको मैं ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रोमोजोम्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ बेटा? क्रोमोजोम। तो आओ जरा क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि मेरा नाम है विशेष पाल एंड आई हैव डन एमएससी एंड बीएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, बिल्कुल डिटेल स्टडी करने के बाद लगभग मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8 साल ज़्यादा टाइम से इनफैक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। और इस दौरान बेटा मैंने 10,000+ बच्चों को अपने ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाया है, और इनमें से बेटा 500+ बच्चों के मैंने टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करी, सिलेक्ट तो ज़्यादा बच्चे हुए हैं। ठीक है, पर मेरे पास कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं वैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरह, जैसे वो क्या करते हैं पूरा फॉर्म भरवा लेते हैं फिर क्लेम करते हैं, एक ही बच्चे पे 10-10 बच्चे, एक 10-10 इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो मैंने नहीं किया। बट ठीक है, बच्चे बहुत बढ़िया रैंक से लेकर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, इंडिया के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैं बच्चों को ना बहुत बारीकी से समझ पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि विशेष सर जो हैं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो भाई लोग बच्चे मुझे भैया बोलते थे। ठीक है, कि भैया जो है हमारी बातों को समझ पाते हैं, क्योंकि बिकॉज उनके और मेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और हुआ क्या कि उनको मैं पढ़ाते 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 इतना आगे तक ले गया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे से डेवलप हो गई। और यही मैं कुछ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ ही मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाए। जब आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप कर जाएगी, देन आप देखना कि आपको जैसा मैं आपको बोलूंगा वैसा करेंगे, जैसा आप जो आप करेंगे बेटा उससे आपका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जीएमसी में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, चले जी बात को बढ़ाते हैं आगे। ये हमारा एक टेलीग्राम ऐप पर ग्रुप है जिसका नाम है जस्ट नीड चैनल। ठीक है, अगर आप अपने गूगल ब्राउजर में या सफारी में जहाँ पर भी आप जाकर टाइप करेंगे t.me/justneedchannel, आप उसको टाइप करें। जैसे ही आप उसको टाइप करते हैं, टाइप करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा ज्वाइन ग्रुप या ज्वाइन चैनल का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। सर बेनिफिट क्या है इस ग्रुप में ज्वाइन होने का? इस ग्रुप में ज्वाइन होने का बेनिफिट ये है कि बेटे यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह सब अच्छे से मिलती रहेगी, एक चीज़ तो ये। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। क्या बेटा? अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सर क्या है ये अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन? यहाँ पर आपकी जो क्लासेस होती हैं दे आर टोटली लाइव क्लासेस, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर नहीं होती हैं। ऑल दो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं, बट आपको जो भी यहाँ पे टीचर पढ़ाएगा वो लाइव बैठ के पढ़ा रहा होगा, मतलब आप यहाँ पर अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको नजर आता रहेगा टीचर क्या पढ़ा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास लाइव पोल्स हुआ करते हैं, लीडर बोर्ड्स हुआ करते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए आते हैं, आप अपने ऑप्शन को मार्क करते हैं, ऑप्शन A, B, C या D, और उसके बाद फाइनली क्या होती है, एक रैंक लगकर आती है। ठीक है ना, आपको रैंक लगती है, टेस्ट सीरीज हुआ करती है, एनालिसिस हुआ करती है, जिससे आपको अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना बढ़िया है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करने में कितने बच्चों ने गलत किया, आपने कितने बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करे, आप टॉपर से कितना आगे हो या टॉपर से कितना पीछे हो। ठीक है, सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलती है। ठीक है जी, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो बिल्कुल लाइव हुआ करते हैं। सो हियर वी हैव द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, आप इसे पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अपनी अपनी चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्या कह रहे हो, हैंग कर रहा है? नहीं, हैंग तो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है जी, ओके, ये सारे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इनको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मेरी क्लासेस भी होती हैं, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो। जैसे आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से एक ऑप्शन ओपन होता है इसका लॉगिन का, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन अपना फोन नंबर और ओटीपी वगैरह डाल के लॉगिन कर लो। देन यू विल गो टू द प्लस पार्ट, प्लस पार्ट पे जाओगे, यहाँ से ऑप्शन ओपन होगा नीट यूजी का, सेलेक्ट नीट यूजी को सेलेक्ट करें, प्लस पे क्लिक करें एंड जाएं गेट सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पर। गेट सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में से आप इनमें से किसी भी इंटीविजन को चूज कर सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स आपके ऊपर है। 1 मंथ और 3 मंथ वाला मत करना यार, कोई फायदा उसका नहीं है। ठीक है, 6 मंथ वाला वो बच्चे कर सकते हैं जो जिनके ऑलरेडी 500+ मार्क्स आ रहे हैं नीट में। ठीक है, वो जरूर ड्रॉप करें, वो पढ़ाई करें और 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी फिजिक्स पक्की कर लें, केमिस्ट्री में डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें, और बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, जो कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती हैं उनको 2-4 बारी और रिवाइज कर लो, किसी अच्छे टीचर से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ लो। ठीक है जी, और अगर आपके नंबर बेटा 400, 450, 410, 425 नंबर है,
देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ। इस सब्सक्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो क्या होगा, आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट कोड इज विशेष। आप ये कोड अप्लाई करेंगे, इस कोड को अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि बेटा देखो, आपको एक तो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, दूसरा यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, थर्ड आपको एक अच्छा चीज़ आपको मिलेगी। क्या बेटा, आप जब मेरे से पढ़ा करेंगे तो बेटा मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस आपको मिला करेगी जब आप मेरे से प्लस पर पढ़ने के लिए आएंगे तो। ठीक है, तो ये कॉस्ट हमारे पास 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की, दैट इज 34,650 रुपीज़। आप इस कोड को डालकर इस कॉस्ट में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। एक और चीज जो बड़ी बेहतरीन है, जो बहुत ही अच्छी है, वो क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, यहाँ पर बेटा आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है। ठीक है ना, मतलब मेरी मेंटोरशिप तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा। ठीक है, और इस पर्सनल मेंटोर का क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा क्या होता है इस पर्सनल मेंटोर का, इस पर्सनल मेंटोर का फायदा ये होता है कि आपको ये बहुत अच्छे से गाइड करता रहता है, आपके साथ रहता है, आपकी बातों को समझता है, आपको चीजों के बारे में बताता है, लाइव क्लासेस में बताता है कि आपको ये पढ़ना है, ये क्लास, ये टॉपिक आपको वीक है, इसको दोबारा पढ़ो, इसको दोबारा देखो इस क्लास को। ठीक है ना, आपके लिए स्टडी प्लान करेगा, तो अ काइंड ऑफ स्टडी प्लानर आपको बहुत अच्छा मिल जाया करता है। तो आप ये भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसके लिए भी आपको ये कोड अप्लाई करना है। ठीक है, और आप पार्ट्स में पे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अमाउंट ज्यादा है, देन यू कैन पे दिस अमाउंट इन द पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है जी, चले, ओके चले जी। तो बात करते हैं किसके, हमारे पास क्रोमोसोम की, तो शुरू करते हैं क्रोमोसोम को। तो कहता है कि अगर पहले जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो कहते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। कहता है नॉर्मल सेल कंडीशन थी, हाँ या ना। तो कहता है जो हमारे पास डीएनए था, आपको पता होगा डीएनए नॉर्मल कंडीशन में करता है, जब वो हमारे पास बेसिकली कंडेंस करता है, तो कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो जब कंडेंस करता है तो फॉर्मेशन होती है किसी क्रोमैटिन की, किसी फॉर्मेशन होती है क्रोमैटिन की, दैट अपियर्स लाइक अ बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला की तरह हमें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पे नजर आया करता है। आपको ये वाली चीज मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, पर उससे ज्यादा जो खतरनाक, जो मैं बोलूंगा कि कहते हैं कि कॉइलिंग है बेटा, वो होती है जब जो क्रोमोसोम बना करता है। ठीक है, मतलब कि देखो डीएनए को कंडेंस कर दो, क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन को कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम बनेगा, तो क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, दस क्रोमोसोम्स इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हमारे पास, कि अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बनाऊँ, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, अगर ये हमारे पास ये क्रोमोसोम है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है बना हुआ, आपने देखे देखा होगा जरूर और जरूर। ठीक है, देखते रहना कि हमारे पास क्रोमोसोम है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो एक तरह से बेसिकली क्या है बेटा, ये धागा है, क्या है हमारे पास, ये धागा ही ऐसे करके धीरे 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 खुलता जाएगा, और ऐसे करके बड़ा होता जाएगा, और आपको फिर नजर आएगा कि बेसिकली कि हमारे पास ये डीएनए ही था। क्या था हमारे पास, ये डीएनए था जिसको हम यहाँ पर ऐसे करके देखा करते थे। तो डीएनए कंडेंस हुआ तो क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम बना। तो व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन। सर क्रोमोसोम हमें कहाँ पे नजर आते हैं, किस फेज में नजर आते हैं बेटा? देखो क्रोमोसोम हमें हमेशा नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सेल स्टेज को देखोगे तो वहां पर आपको क्रोमोसोम नजर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता। क्रोमोसोम्स आर ओनली एंड ओनली विजिबल, ये हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या होना चाहिए जब हमारे पास, सुनो मेरी बात को, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप बोलो क्या पतंग उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो। ठीक है ना, तो आपको जो धागा है, क्या है जो आपका धागा है, उससे पतंग उड़ा रहे हो आप, हाँ या ना। तो अगर मैं कोई आपसे बोलूंगा कि भाई मुझे दिखाओ कि आपकी जो रील है जिसमें आपने धागा लपेट रखा था, रील जो है वो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे यार रील तो अभी कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने धागा लपेटा ही नहीं है, हाँ या ना, क्योंकि उस धागे से तो क्या कर रहा हूँ, उस धागे से तो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ ना अभी। ठीक है, मतलब वो डीएनए खुला हुआ है अभी, जब मैं पतंग को नीचे उतारूंगा, उतारूंगा एक जगह पे कंडेंस करूंगा, घुमाऊंगा, ठीक है, तब जाके क्या होगा, तब जाके वो क्रोमोसोम की शेप लेगा, तब जाके वो एक रील बनेगी, तब जाके क्या बनेगी, वो रील बनेगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस रील की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं बेटा उस रील की। तो रील सिर्फ और सिर्फ तब नजर आती है जब मुझे उस धागे को क्या करना है, दो या तीन हिस्सों में बांटना है। मान लो कि मेरा दोस्त आता है, वो कहता है यार कल मुझे पतंग उड़ानी है, काम कर मुझे ना अपना आधा धागा दे दे, तो आप कैसे करोगे, मतलब पूरा जंजाल ऐसे पड़ा हुआ है धागों का, पूरा ऐसे वो रखा है, उसको बीच में से काट दोगे, कच 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 ऐसे काट दोगे, नहीं ऐसे नहीं काटोगे आप। अब ये करोगे काम कर, तो एक काम कर, तू रील लेकर आ, रील लेकर आ, ठीक है ना, या कुछ चीज लेकर आ जिसके ऊपर मैं तुझे वो धागा लपेट के दे दूँ। तो आप क्या करोगे, इस पे भी धागा लपेटोगे, और एक और पेन लेकर आओगे, इस पे भी धागा लपेटोगे, दोनों पे धागा लपेटा, अच्छा ये दोनों बराबर बराबर है, हाँ या ना, चल एक तू रख ले, एक मैं रख लेता, ऐसे तो होता है। ठीक है, तो सेम यही चीज है, जब सेल को क्या करना होता है, जब सेल को
क्रोमोसोम्स, या आप बोल सकते हो सेल को डीएनए को बांटना होता है, डीएनए उसको डिवाइड करने होते हैं, डिवाइड उसको बांटने होते हैं डीएनए, उस टाइम पर वो हेल्प लेता है किसी क्रोमोसोम्स की, वो अपने पूरे धागे को 2 मीटर, 2.2 मीटर का जो धागा है वो उसको कुछ पार्ट्स में, उसको कुछ पार्ट्स में क्या कर देता है, वो घुमा देता है, क्वाइल कर देता है, जिससे कि उनके सेपरेशन आराम से हो पाए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आराम से हो पाए। इसका मतलब कि जो हमारे पास सेल्फ, ये जो हमारे पास है, हमें कब और कब नजर आते हैं, हमारे पास कभी नजर आते हैं हमें बेटा, सिर्फ और सिर्फ तब नजर आते हैं कब, हाँ हेयर कट करवा ली, बच्चे पूछा सर हेयर कट करवा ली, हाँ बेटा मैंने हेयर हेयर कट करवा ली है, ठीक है जी चलें, ओके चलो, ओके ओके ठीक है। तो इंटरफेस के टाइम पे बेटा क्रोमोसोम हमें विजिबल नहीं होते, क्रोमोसोम्स हमें विजिबल नहीं होते, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजिबल होते हैं क्या, क्रोमैटिन, ठीक है। बट आप क्रोमोसोम्स को नजर देख सकते हो खासतौर पर मेटाफेस पे, कहाँ बेटा, मेटाफेस का। अगर आपको कभी भी क्रोमोसोम देखने हो तो मेटाफेस पे जाओ और वहां पे आके स्टडी करो, ठीक है। पहली बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व बाय हॉफमिस्टर, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे हॉफमिस्टर लिखा हुआ है, लेकिन हॉफमिस्टर ने क्या करा था, उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को देखा था इन 1880 एंड कार्ल लगेली इन द पॉलन मदर सेल। बेटा पॉलन मदर सेल को हम देखते हैं, वहां पे इसको देखा गया था, पीएमसी में ऑब्जर्व करे गए थे, ठीक है करें। फिर एक थे हमारे पास कौन से, स्ट्रेटस बर्गर, इनफैक्ट पूरी बात बोलो तो स्ट्रेटस बर्गर, इनका नाम बेटा बहुत ही इज्जत से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी में बहुत ज्यादा काम किया है, और जो क्रेडिट है डिस्कवरी का क्रोमोसोम्स की, वो एक्चुअली जाता है इनको ही है। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम गोज टू द स्ट्रेटस बर्गर, स्ट्रेटस बर्गर को ही, स्ट्रेस बर्गर नहीं है, स्ट्रेटस बर्गर है हमारे पास ये, ठीक है। डिस्क्राइब द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अपीयर इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन टाइम पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर नजर आते हैं वो क्या है, वो क्रोमोसोम्स हैं। ये वाली बात किसने बताई थी, वाली बात बताई हमें स्ट्रेटस बर्गर ने इन 1875। पर जो क्रोमोसोम जो वर्ड है, जो टर्म है, दैट वॉज प्रपोज बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज वॉल्डेयर, वॉल्डेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, ठीक है। ये जिनको एक्चुअली स्ट्रेटस बर्गर ने बताया है वो क्या है, वो बेसिकली क्रोमोसोम्स है, क्या है वो, क्रोमोसोम्स है। एंड द टर्म क्रोमैटिन वॉज नॉट गिवन बाय द रोजालिंड फ्रैंकलिन, इस बात का ध्यान रखना, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्रोमैटिन को डिस्क्राइब किया था, बट द टर्म वॉज सजेस्टेड बाय द फ्लेमिंग, वाली चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, याद करो, पस सेल्स में पढ़ा रहा था आपको, पस सेल्स में मैंने बताया था ये जो क्रोमैटिन जो वर्ड था दैट वॉज सजेस्टेड बाय द फ्लेमिंग, ओके पक्का, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, जनरली द क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड, कैसे होते हैं, लंबे लंबे खींचे खींचे से हमें नजर आया करते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली द रॉड शेप, ठीक है। और हमारे पास ये ट्रिलियम प्लांट जो होता है हमारे पास, उसके पास क्या होता है, उसके पास सबसे बड़ा क्रोमोसोम हुआ करता है, इसके उसके पास क्या हुआ करता है बेटा, सबसे बड़ा क्रोमोसोम उसके पास ही हुआ करता है। और जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ तो मैं बहुत टेढ़ा बैठा हुआ, ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सीधा होके बैठ गया, ठीक है चलो जी आओ आओ, ओके। तो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 32 माइक्रोमीटर तक हो सकता है सबसे बड़ा क्रोमोसोम हमारे पास ट्राइलियम प्लांट में होता है, इसको मार्क कर लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ ऐसी बात है जो शायद आपको कहीं बुक में ना मिले, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो कहते हैं कि अगर क्रोमोसोम्स की बेस्ट स्टडी करनी है, अगर हमें क्रोमोसोम्स को बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए कहाँ पर बेटा, मेटाफेस पे, वी हैव टू स्टडी इट एट द मेटाफेस, हमें इसको मेटाफेस से पढ़ना चाहिए, बिकॉज साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग द मेटाफेज, जो क्रोमोसोम्स का साइज है वो क्या है, सबसे छोटा होता है कहाँ पर, मेटाफेज में, क्योंकि इसी टाइम पर क्या होते हैं वो हाईली कंडेंस हुआ करती है, एट द मेटाफेज स्टेट दे आर हाईली कंडेंस्ड, ठीक है। क्योंकि ये देखो बता भी रहा है आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग मेटाफेज ड्यू टू हाई हाईली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिक थ्रेड बाय गेलेशन डिहाइड्रेशन एंड कॉइलिंग, ठीक है। तो चार प्रोसेसेस हैं, चार स्टेप्स हैं जिनकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो इतने कंडेंस हो पाता है, क्रोमेटिन इतना ज्यादा कंडेंस हो पाता है। पहला कौन सा हमारे पास, जेलेशन, ठीक है, दूसरे हमारे पास डिहाइड्रेशन, और तीसरे हमारे पास कॉइलिंग, मतलब कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स भी होता है जो उसको जेल के फॉर्म में लाने में हेल्प किया करता है, या नॉन जेनेटिकल मैट्रिक्स हुआ करता है, मैं अभी मैं चल के आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कहते हैं क्रोमोसोम आपको मेटाफेस से बहुत अच्छे से नजर आ जाएंगे, बट अगर आपको उनकी शेप समझनी है, कुछ लोग उसे एनाफेज पे देखेंगे तो आपको एनाफेज में समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअली क्रोमोसोम्स हमारे पास चार शेप के हो सकते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज, और वो कौन कौन से शेप्स हैं देखो, अभी वाली बात मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा। देखो यार कि एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या कर जाती हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, क्रोमेटिड्स में स्प्लिट कर जाते हैं, और जब वो क्रोमेटिड्स में स्प्लिट करते हैं
में स्प्लिट करते हैं, हमारे पास क्रोमेटिड्स में जब वो स्प्लिट करते हैं तो दे अपीयर्स लाइक दिस, कई बार हम ऐसे नजर आते हैं, कई बार ऐसे नजर आते हैं, और कई बार हमें बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े हुए नजर आया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि वो चार शेप है उनकी, एक शेप है वी, एक है हमारे पास एल, ये एल टाइप है, ये हमारे पास कुछ ऐसे है जे, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी बेटा आई शेप, कैसी शेप है ये आई शेप है। तो चार टाइप के क्रोमोसोम्स हमें एनाफेस पे नजर आते हैं, क्यों नजर आते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, इनको जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ खींच रही होती है, मेरी बात समझ वाले, वो सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, मेटाफेज वाली स्टेज पर आके अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब वो खींचते हैं तो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट करता है, टूटता है बीच में से, टक्कर कैसे करके टूट जाता है, और टूटने के बाद दे स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल। तो जब ये अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इनकी शेप कुछ इस तरह से नजर आया करती है, जैसे कि नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, सो अपियर लाइक दिस। ये हमारे पास मेटाफेज क्रोमोजोम है, ये हमारे पास सब मेटाफेजिक है, सॉरी मेटाफेजिक कह रहा हूँ, ये हमारे पास है, इसको हम कहता हूँ क्या, मैं मेटासेंट्रिक, दिस इज सब मेटासेंट्रिक, दिस इज एक्रोसेंट्रिक एंड दिस इज टेलोसेंट्रिक। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कैसे होते हैं अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये वाली बात वहां पे वाली बात मैं आपको क्लियर रिपीट करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय सटन एंड बूवरी। ये सारी जो टर्म्स है ना क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ, कि सी टी आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट नेम है सटन एंड बूवरी, एंड दिस इज गिवन इन क्लास 12th। इन्होंने ही बताया था कि जो जीन्स हैं, जीन्स आर प्रेजेंट इन द लीनियर ऑर्डर ऑन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सिंस द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ओनली इट्स न्यूक्लियस, इट मींस द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। हर ये बात समझ में, सो दैट्स, और उन्होंने बताया था कि जो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं वो हमारे पास जीन्स ही हैं, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स, दैट दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक है जी, पक्का, ओके जी, आगे आते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज नो रिलेशन विद एनी स्पेसिफिक फीचर लाइक साइज, ऐसा नहीं है कि इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उसके पास क्रोमोसोम नंबर ही बहुत ज्यादा होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे कोई लेने देना नहीं है, जैसे कि मैं आपको चलो एक दो बातें बता भी देता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है ना, आई हैव द स्टडी मटेरियल फॉर इट, वेट अ मिनट, जैसे कि अगर आपसे क्लैरिटी देखना चाहें, ये मेरे से जो मेरी मेरी जो नोटबुक है वो थोड़ी दूर रखी हुई थी, ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें, आप जैसे कि यहाँ पर देखें कि जो फंगस है, क्या है जो हमारे पास फंगस है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर म्यूकर, ठीक है ना, म्यूकर फंगस होती है आप जानते हैं, तो म्यूकर में जो क्रोमोसोम्स हैं, म्यूकर में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो हुआ करते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, और हमारे पास जैसे कि मैं बोलूँगा, क्या कहते हैं कि आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप एग्जाम्पल लो मेज, क्या ले लो आप मेज, तो मेज में क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, कितना मेज में होते हैं हमारे पास 20 क्रोमोसोम्स, ठीक है पक्का, और हमारे पास एक टेरिडोफाइटा होता है, क्या होता है हमारे पास एक टेरिडोफाइट होती है ना, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा है, इसका नाम है हमारे पास क्या, ऑफियो ग्लॉसम, क्या नाम है बेटा इसका हमारे पास, ऑफियो ग्लॉसम, इसका आप यहाँ पे नाम ध्यान कर लेना बेटा, ऑफियो ग्लॉसम रेटिकुलेटम, ठीक है, ये हमारे पास एक 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 टेरिडोफाइट है, इट हैज अ क्रोमोसोम नंबर 1262 बेटा, इसके पास 1262 क्रोमोसोम्स हुआ करते हैं, और आई थिंक कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स अगर मैं बात करूंगा किसी टेरिडोफाइट में है तो वो ऑफिको ग्लॉसम ही है। तो सर किस किस एनिमल में सबसे ज्यादा हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं सर, मतलब कि अगर मतलब जैसे कि एलिफेंट सबसे बड़ा है, हाथी सबसे बड़ा है, सर एलिफेंट के पास क्या होंगे सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, यही मन में आता है, नहीं, सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो बेटा एक प्रोटोजोन है, क्या है वो, वही बेटा एक वो प्रोटो जोन है जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, उसका नाम है हमारे पास क्या, ऑलो, सुन लो बेटा लिख लो, ऑलोकैंथा, क्या नाम है बेटा, ऑलोकैंथा, ये हमारे पास एक प्रोटोजोन है, इट कंटेन्स 1600 क्रोमोसोम्स, समझ रहे हो मेरी बात को, प्रोटोजोन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके पास बेटा 1600 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ह्यूमन के पास कितने हैं 46, ठीक है, गोरिल्ला चिंपांजी के पास कितने हैं 48, ठीक है, मक्खी मिलानोगेस्टर डॉर्सोफिला मेलानोगेस्टर कितने हैं 8, ये आपने सारी आप अपनी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, और अगर हाफ पूछेंगे तो बिल्कुल उसका डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, उनका हैप्लोइड सेट हो जाया करता है, ठीक है, चलिए आगे आते हैं, क्या कह रहा है, कह रहे थे गैमेट्स हमारे पास जो क्या है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन ओनली वन ऑफ ईच क्रोमोसोम, एक गैमेट के पास क्या होता है सिर्फ और सिर्फ अपने टाइप का एक ही क्रोमोसोम हुआ करता है, ठीक है, कह
गैमेट के पास कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक ही क्रोमोसोम होगा। जैसे कि ह्यूमन की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। 46 में से बेटा 44 तो क्या हो गए? ऑटोसोम्स। और एक्स और वाई क्या हो जाते हैं भाई? सेक्स क्रोमोसोम्स। आप इस वाली बात को जानते हो। तो जब सेग्रीगेशन होता है, जब सेग्रीगेशन होता है गैमेट बनते हैं, तो इसकी भी स्प्लिटिंग होती है 22, एक टाइप के 22 दूसरे टाइप के अलग। और ये एक्स और वाई भी क्या होते हैं? सेग्रीगेट करते हैं। तो जब दो गैमेट्स बनते हैं, जब दो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो बेटा 22+X यहाँ जाता है और 22+Y यहाँ जाता है। तो दोनों को 23 और 23 क्रोमोसोम्स मिला करते हैं। क्लियर? पक्का? तो कहता है अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैरिंग ऑल जीन्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट टू दी नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज जीनोम। सो व्हाट इज जीनोम? हमारे पास जीनोम क्या हुआ करता है? व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ अ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उसके कंप्लीट सेट, डबल सेट नहीं, एक ही सेट होना चाहिए, तभी बोला कि आ कंप्लीट सेट, एक पूरा सेट, ठीक है। सबसे पहले वाली बात किसने रिपोर्ट कर दी कि ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं? सबसे पहले वाली बात किसने बताई? सबसे पहले वाली बात बताई भाई दो साइंटिस्ट ने, कराम था TH Tijo और A Levan। पेपर में नहीं आएगा, अपन याद नहीं करना। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली बात हमें बहुत लेट पता चली है, मतलब आज से करीब 70 साल पहले वाली बात पता चली है, देख रहे हो 1950 में। उससे पहले हमें ये पता नहीं था कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि 1950 में जब इनको पता चला होगा कि इतने क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ी होगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी होगी तब जाके 1953 में और 1952 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, डबल हेलिकल मॉडल दिया स्ट्रक्चर डीएनए का। और उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अच्छा ये डबल हेलिकल मॉडल है, ओहो ये शुगर फॉस्फेट है, ओहो यहाँ पर ये नाइट्रोजन स्पेस लगे हुए हैं, अच्छा ये बेस पेयर है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, अच्छा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, अच्छा ये ऐसे घूम के आ रहा है, अच्छा 36 डिग्री का टर्न ले रहा है, दो के बीच में डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर, तो पूरे में कितना 34 नैनोमीटर, ये हेलिक्स है। अच्छा ये तो बीटा टाइप है, अल्फा टाइप क्या है, सी टाइप क्या है, डी टाइप क्या है, ये राइट हैंडेड फैशन क्या है, जी टाइप क्या है, ये सारी बातें हमें उसके बाद पता चली, ठीक है। चलो यार ये तो रही हमारे पास एक बात, अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं इसकी क्रायोटाइप, इसी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द क्रायोटाइप। ये क्रायोटाइप क्या होता है बेटा? देखो कभी भी मैं एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब मैं उसके क्रोमोसोम्स को स्टडी करता हूँ, किसको स्टडी करता हूँ? मैं क्रोमोसोम्स को स्टडी करता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं क्रोमोसोम स्टडी करे, ठीक है, और मुझे पता चला कि अच्छा इसका पहला क्रोमोसोम इतना बड़ा है, ठीक है ना, पहला और दूसरा मतलब सेट में होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, पहला दूसरा क्रोमोसोम इतने बड़े हैं, फिर तीसरा चौथा मतलब सेकंड पेयर इतना है, फिर चौथा इतना, पांचवा इतना, ठीक है। ये मैं साइज के अकॉर्डिंग उसको लगा रहा हूँ, बढ़ते हुए साइज से कम होते हुए साइज पर हम उसको सेट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज क्रायोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं क्या? क्रायोलॉजी, या इस टेक्निक को हम कहते हैं क्या? क्रायोटाइप। सो व्हाट इज क्रायोटाइप? क्रायोटाइप इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बाहर बाहर से पढ़ लेना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ क्रोमोसोम्स, विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप, ईच स्पेसिस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसको हम कब स्टडी करते हैं? एट व्हाट स्टेज हम इसको पढ़ पाते हैं? इसका भी आप आंसर देंगे बेटा फटाफट। हम पढ़ पाते हैं हम इसको? कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है क्या? अगर डाउट आ रहा है तो बेटा मेरे से पूछो। एक बच्ची कह रही है फरीन अंसारी, ऑफिलोग्लॉसम में तो 630 होते हैं सर, आपने तो यहाँ पर हमारे पास 1362 बता दिया। बेटा 630 नहीं होते, जिस किताब में आपने पढ़ा है ना उसको दोबारा से चेक कर लो, ठीक है ना, 631 होते हैं, वहाँ पे किताब में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 631 होते हैं हैप्लॉइड कंडीशन में, किसी गैमिट में, ठीक है। पर अगर डिप्लॉइड होगा क्या होगा उसका? डिप्लॉइड होगा तो बेटा उसके पास क्या होंगे? उसके पास 1262 ही होंगे, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है सर, बायो मॉलिक्यूल्स कब स्टार्ट करोगे बेटा? इसके बाद हमारे पास यही है, ठीक है ठीक है जी। बढ़ जाए आगे सर, इतना लेट आज आप क्लास नहीं लेंगे? बेटा क्लास तो चल रही है, क्यों क्लास नहीं लेंगे? क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पास करीब 25-30 मिनट क्लास भी हो चुकी है, ठीक है जी, पक्का? बढ़ जाए आगे, आया ना? ओके बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास हम, ठीक है ओके। क्लियर हो गई वाली बात? चलो तो यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, इट इज स्टडीड एट द मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज वही स्टेज है जहाँ पर क्या होते हैं, हमें क्रोमोसोम्स हमें बहुत अच्छे से नजर आया करते हैं। और हम क्रोमोसोम्स को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी कर पाते हैं क्रोमोसोम्स को, तो आप ये भी समझ लो बेटा, क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए, क्रायोटाइप्स का स्टडी करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं, दैट टेक्निक इज नोन एज बैंडिंग टेक्निक। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं कि हम बैंडिंग टेक्निक, ठीक है जी, पक्का? मुश्किल तो नहीं है, हाँ या ना? बैंडिंग टेक्निक में हमें एक चीज होती है, इसको कहता हूँ क्या मैं? फ्लोरोक्रोम्स। फ्लोरोक्रोम्स ये कुछ हमारे पास कलर लाइक लाइक चीज हुआ करती है, फ्लोरोसेंट डाइज होती है, इनको हम यूज करते हैं। और जब हम इनको यूज करते हैं तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स हमारे पास बैंड की फॉर्म में हमें नजर
आया करते हैं। जैसे कि अगर आपने क्रोमोसोम को देखना है तो आप क्या करोगे, जब आप उसमें ये डालोगे, फ्लोरोसिन डालोगे, बैंडिंग टेक्निक यूज करोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ अलग अलग बैंड्स क्रोमोसोम पे ऐसे बने हुए नजर आते हैं। ये बैंडिंग टेक्निक हम इसको कह दिया करते हैं। लेकिन हम ये कैसे बताते हैं कि चिंपांजी हमारे सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर, हम कैसे बता पाते हैं वाली बात, हम इसको बैंडिंग टेक्निक का यूज करके ही हम इसको बता पाते हैं। मतलब कि जब हम ह्यूमन का क्रोमोसोम बैंडिंग टेक्निक लगाते हैं, क्रोमोसोम पे कैरियोटाइपिंग करते हैं, बैंडिंग टेक्निक लगाते हैं और ह्यूमन वाले पे लगाते हैं, तो और दोनों को मैच करते हैं, तो मैच करने पे जो मैं बोलूँगा सिमिलैरिटी है वो बहुत ज्यादा हुआ करती है। सिमिलैरिटी क्या हुआ करती है बेटा, बहुत ज्यादा हुआ करती है। पक्का बढ़ जाए। अब अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं आगे, तो बैंडिंग टेक्निक हमारे पास बहुत टाइप की होती है, क्यू बैंडिंग, जी बैंडिंग, ए बैंडिंग, सी बैंडिंग, आर बैंडिंग, ठीक है। पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीजें पेपर में नहीं आएंगी। चले ओके, नेक्स्ट कम टू द टैली। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं, और आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें जरूर और जरूर पहले से पता ही होगी, ठीक है जी। तो इसको मैं इसको इसको माफ नहीं करता, ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस, ठीक है ओके। तो सबसे पहले आती है हमारे पास क्या, पेलिकल। तो व्हाट इज पेलिकल, पेलिकल क्या हुआ करता है, हमें लगता है कि क्रोमोसोम जो है, हमें लगता है कि बेटा क्रोमोसोम जो है हमारे पास वो सिंपल और सिंपल ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे की हो गया हमारे पास क्रोमोसोम। इतना बेकार बनाया मैंने, हूँ इस कलर से, ठीक है। ये जो बेटा ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, दिस इज व्हाट, ये बेटा एक्चुअली पेलिकल है। क्या है हमारे पास, ये पेलिकल, ठीक है ना। आपको अंदर का डीएनए नजर आएगा ही नहीं अगर आप ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करोगे तो। दिस इज व्हाट, दिस इज दी पेलिकल। पेलिकल इज नथिंग बट अ प्रोटीनियस कवरिंग प्रेजेंट ओवर द आउटर मोस्ट प्रोटीनियस कवरिंग प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट हुआ करती है, एक 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 प्रोटीनियस शीट हुआ करती है ये, ठीक है जी। पक्का बढ़ जाए आगे। आगे क्या रहा है, आगे हम आते हैं इसमें मैट्रिक्स पे। किस पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट कम टू द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, देखो एक्चुअली इसके अंदर ऐसा नहीं है पूरा पूरा डीएनए ही इसके अंदर भरा हुआ है। डीएनए तो बेटा बहुत कम है, डीएनए तो बेटा बहुत कम है, डीएनए तो इस फॉर्म में ऐसे करके ये प्रेजेंट है। दिस इज द डीएनए, ये डीएनए तो बस यहाँ यहाँ पर ऐसे करके ये प्रेजेंट हुआ करता है, ठीक है ना। पूरे में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, लोगों को लगता है बस डीएनए ही डीएनए प्रेजेंट है और कोई चीज वहां प्रेजेंट ही नहीं है। नहीं, ये जो चीज प्रेजेंट है दिस इज व्हाट। इसके अलावा जो आपको व्हाइट कलर से यहाँ पे नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है दिस इज दी मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास, ये जो खाली जगह है जो भरा हुआ है, दिस इज दी मैट्रिक्स। इसमें क्या है, ये बेटा इसको क्या करता है, विस्कस बना देता है। ये हमारे पास नॉन जेनेटिक हुआ करता है, इसके पास कोई जीन्स नहीं है, ये लिक्विड है। क्या है ये, इट इज अ लिक्विड नॉन जेनेटिक एक्रोमैटिक ग्राउंड सब्सटेंस। एक्रोमैटिक मतलब ये स्टेन नहीं होता, ये कोई कलर नहीं देता, एक्रोमैटिक ग्राउंड सब्सटेंस है क्रोमोसोम का, विच हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। बस बहुत टाइम के एंजाइम्स हुआ करती हैं। एक एंजाइम यहाँ पर होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेज खुद एक एंजाइम नहीं है, रिकॉम्बिनेज खुद एक एंजाइम से कॉम्प्लेक्स है। आर प्रोटीन, यू प्रोटीन, एंडो एंडोन्यूक्लियसिस और एक्सोन्यूक्लियसिस। जब ये चार टाइप के एंजाइम बनते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनकर आते हैं उसको हम रिकॉम्बिनेज कह दिया करते हैं। आप समझ रहे हो, आगे वाली बात तो आपने पढ़ रखी होगी ना जरूर, आया ना भाई, किसी से पढ़ रखी वाली बात। आई होप कि एवरी वन ऑफ यू न्यू नो दिस थिंग, आप सबको ये वाली बात पता होगी, आया ना। और इन कह रहे हैं सर आपकी अनअकैडमी में कितने बजे तक क्लास है, आपकी अनअकैडमी में कितने बजे तक क्लास है। अभी यहाँ पर बेटा, अभी यहाँ पे 4 बजे तक क्लास है मेरी, 4 बजे तक, यहाँ पे 4 बजे खत्म होगी, फिर शाम को दोबारा आऊंगा मैं पढ़ाने के लिए आपको 8 से 9। और हाँ, मैं घड़ी देख रहा था ऊपर, ठीक है ठीक है केशव देव। और आज इन अकेडमी मिलते हैं रात को 10 बजे, ठीक है ना। आज रात को मिलते हैं कितने बजे, चलो 10 बजे मिलते हैं, ठीक है ना, 10 बजे मिलते हैं। तो रानी सिंह हम क्या करते हैं, रानी सिंह नाम है ना आपका, रानी सिंह, हाँ 10 PM में मिलता हूँ आपको। क्या करोगे 10 PM मुझे बताओ। देखो यहाँ पर भी यार बॉटनी चल रही है, मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको 8 बजे, और अभी मैं 3 बजे भी फिर मैं आपको सेल पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से बेटा हमें मिलना चाहिए कितने, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वरना ना हर जगह बॉटनी 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 ना, फिर बोरिंग सी हो जाएगी, ठीक है। देन अब ठीक है, मेरे ख्याल से ये तरीका सही रहेगा, दैट विल बी वेरी 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 गुड, ओके ठीक है जी। तो सर मतलब कि उसके पास सर मतलब डीएनए नहीं है, अरे डीएनए है, डीएनए है, पर डीएनए को हम कहते हैं क्या, डीएनए कहते हैं क्या, हम क्रोमोनिमा। क्या कहते हैं बेटा, हम उसको कहते हैं क्या, क्रोमोनिमा। और क्रोमोनिमा, और कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमोनिमा क्या है और हमारे पास क्रोमोनिमेटा क्या है। तो सुन लो, क्रोमोनिमा का अगर हम, क्रोमोनिमा बेसिकली
प्लूरल फॉर्म है, क्या है ये, एक हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों दिस इज अ प्लूरल फॉर्म, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म है, इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा, ठीक है ना। लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इन दोनों में फर्क है, कुछ अलग है, ये दोनों चीज सेम है, क्या है ये। तो आप समझ लो कि ये सिंगुलर फॉर्म हो गई, मतलब कि आप देखो यहाँ पर जो चीज मैंने बनाई है ना, ये सिंगुलर है, क्या है ये सिंगुलर है, तो ये हमारे पास ये क्रोमोनिमेटा है, क्या है हमारे पास ये, दिस इज द क्रोमोनिमेटा। पर अगर मैं इसको यहाँ पर इसकी एक क्वाइल एक जगह से मैं आपको और दिखा दूँ, अगर इसकी मैं एक यहाँ पे पार्ट ऐसे बना दूँ, और ठीक है ये मैंने बना दिया, ठीक है ये हो गया, ठीक है यहाँ पर मैंने इसको ये बना दिया इस तरह से, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो ये अब ये कहलाएगा हमारे पास क्या, क्रोमोनिमा, क्या कहलाएगा, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एट एस क्रोमोनिमा। भाई क्लियर है मेरी बात, आसान है कि नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, या बस चीजें ऐसे चलती ही जा रही है, आगे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग करते जा रहे हो, मतलब बस दिमाग के ऊपर हवाई फायर हो रही है, ऐसे कोचिंग जाके होता था, ऐसा होता था ना, पापा ने क्या हुआ, रिजल्ट आया 10th का, ओहो बच्चे के 88% मार्क्स आए, बच्चे के 92% आए, ये बनेगा डॉक्टर, इसको डॉक्टर बनाना है भाई, घर में डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर तो है, सरकारी नौकरी भी है घर में हमारे पास, पर ये डॉक्टर बनना चाहिए, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। ओहो बच्चे से पूछा नहीं गया, बच्चे बेटा समझ आ रहा है तेरे को, पढ़ लेगा तू, पढ़ लेगा डॉक्टर, पढ़ लेगा रोजे 6 घंटे, जी पापा मैं कर लूँ, पापा ने कहा ठीक है, ये भरा, पापा लेके गए, ये भरा फार्म, वहाँ पे जो रिसेप्शन में बैठी हुई थी उसने कहा सर हमारे यहाँ पर ना एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, यहाँ पे जो बच्चों के मार्क्स आएंगे ना, मार्क्स के बेसिस पे करिएगा स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा ठीक है पापा खुश, बेटा बैठ जा, बेटा बेटा बैठ जा, उन्होंने अगर उन्होंने साइंस में ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन दिए, बच्चा पढ़ने में होशियार था ही, 88% नंबर थे बच्चे के, बच्चे ने अगर साइंस और मैथ्स पूरी तरह से क्या करा पेपर में, ये भर दिया गोले सारे के सारे, वहीं पर ही बिल्डिंग है साउथ एक्स में, यहाँ पर भर दिए गोले, गोले भरने के बाद ओहो आपको 70% स्कॉलरशिप मिली है, आपकी जो फीस कर दी गई है 70% स्कॉलरशिप के हिसाब से, अब आपकी फीस आपको पे करनी है 90,000 रुपीज। ओहो मैडम पहले कितनी फीस थी, सर पहले तो सर 1.5 लाख रुपये फीस थी, बट आपके बच्चे आप मतलब आपके बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए हम उसको 70% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो जो करंट फीस है हमारे पास वो 60,000 है, परसेंट टैक्स वैक्स लग के फीस हमारे पास ये 90,000 हो जाती है, अगर आप इतना भी नहीं दे पा रहे हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, काम करते हैं हम इसको 80,000, आप इसको 80,000 में कर दो। पापा खुश, पापा कहते हैं 1.5 लाख रुपए में का था, मेरा लड़का पढ़ने होशियार था, 80,000 रुपए में सिलेक्शन हो गया, बाद में पता चला कि फीस एक्चुअली थी इतनी, वो आपका वहाँ पे काट लिया गया, ठीक है खैर चलो ये तो एक बात, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि बच्चा चलो चला गया कोचिंग में बैठा हुआ है, अब 11वीं क्लास में बेचारा बच्चा पहले 10वीं क्लास में इतनी पतली सी किताब पढ़ता था, वो 10वीं में इतनी सी किताब थी साइंस की, उसी में था वो, पीरियोडिसिटी भी उसमें थी, लिविंग लाइफ प्रोसेस भी उसमें था, लाइट भी उसमें था, साउंड भी उसमें, सब कुछ उसमें था, सोर्स ऑफ एनर्जी भी उसमें था, उसको नहीं पता था कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, नहीं वो तो सब साइंस पढ़ने के लिए गया था, अब वहां पर ले फिजिक्स, ले केमिस्ट्री, ले बायोलॉजी, ओहो अब क्या करें, अब वो चल रहा है एनिमल किंगडम पढ़ा रहा है वहां पे, टीचर खड़े होके ग्रीन बोर्ड पे खड़ा हुआ है वो, और वो लिखे जा रहे हैं ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाओ कर लिखा हुआ। तो चलो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, आज हम कर पढ़ेंगे कि आज हम पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स, वो 2 घंटे में स्पोरोजोन्स ही पढ़ा रहे हैं बेवकूफों की तरह, स्पोरोजोन्स 4 लाइनें पढ़ानी होती हैं, 3 एग्जाम्पल पढ़ाने होते हैं, पढ़ाई खत्म करना, क्यों खींच रहा है इतना स्पोरोजोन मेरे भाई, नहीं आएगा पेपर वहां से, सवाल में नहीं, पेपर में नहीं पूछता वो इतना, एनसीईआरटी पढ़ा थोड़ा सा, बाहर से पढ़ा दे, ट्रू मैथ्स दिखा दे थोड़ी थोड़ी, 2-3 चीजें पढ़ा दे, प्रीवियस ईयर में सवाल करवाए हुए वो करवा दे, उससे रिलेटेड कुछ और सवाल करवा दे, खत्म कर, क्यों पढ़ा रहा 2 घंटे करो हमारे पास स्पोरोजोन्स, मतलब स्पोरोजोन 2 घंटे पढ़ाएगा, सेलेटेड प्रोटोजोन 2 घंटे पढ़ाएगा, अमीबॉइड अमीबॉइड प्रोटोजोन 2 घंटे पढ़ाए, अबे यार ऐसा करते 4 दिन तो उसमें लग जाएंगे, वो कहते हैं सर 1.5 महीने सर मेरा एनिमल किंगडम चल रहा है, सर पता नहीं सर मैंने क्यों कर लिया, वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि स्कूल में तो लिविंग वर्ल्ड भी करवा दिया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन भी करवा दिया, प्लांट किंगडम भी करवा दिया, एनिमल किंगडम भी करवा दिया, और मॉर्फोलॉजी वहाँ पे स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर एनिमल किंगडम खत्म हो गया दे रहा, वहाँ पर आ गए फर्स्ट टर्म यूनिट टेस्ट, वो एनिमल किंगडम पढ़ता रह गया, पेपर में हो गया फेल, फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री फेल, बायोलॉजी में बाउंड्री पे पास होता है 15-40 में से 15 नंबर लेकर फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, वो आप क्या करें सर फीस तो वापस नहीं होगी, अब वहां से वो छोड़ देता है, फिर वो नॉर्मल ट्यूशन जाके पढ़ने के लिए बैठ जाता है, यही होता है कोचिंग का हाल, आप में से बहुत सारे बच्चों को आपको पता होगा कि यही होता है कुछ और होता है, आप मुझे बताओ यही होता है कुछ और होता है, कहानी बेटा यही है, हर जगह की कहानी यही है, ऐसा ही होता है, बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में जब था, मैं खुद था क्लास 11वीं 12वीं में, तो बेटा ये कहानी चला करती थी, सेम यही कहानी होती थी, कुछ अलग नहीं होता था, यही होता था, समझ रहे हो मेरी बात को, चले पढ़ जाए हम आगे, ठीक है। तो मैं वैसे टीचर नहीं हूँ, मेरा मानना है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है कि क्रोमोनिमा में और क्रोमोनिमेटा में क्या फर्क है, तो मतलब फिर मेरा पढ़ाना क्या हो रहा है, सफल हो रहा है, फिर मैं आपको आपके लिए पढ़ देता हूँ, तो क्या कह रहा है हमारे पास, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट
जेनेटिकल हाईली क्वाइल्ड थ्रेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम या क्रोमेटेड जो भी हमारे पास, एंड इट इज कॉल्ड क्रोमोनिमा। इसको हम क्रोमोनिमा कह दिया करते हैं। ठीक है, हर एक क्रोमोनिमा में क्या होता है, हर एक क्रोमोनिमा को अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्रोमोनिमा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द क्रोमोनिमा। ठीक है, और यहाँ पर बीच बीच में क्या है, यहाँ पर बीच बीच में बेटा आपको यहाँ पर स्टोन्स भी लगे हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं आपको स्टोन्स नजर नहीं आएंगे। ये भी पेपर में एक सवाल कभी पूछा जा सकता है, कभी लेवल बढ़ाएगा तो, क्या क्रोमोनिमा में हमें स्टोन्स नजर आते हैं? तो यस, स्टोन्स आर विजिबल इन द क्रोमोनिमा। ठीक है, तो समटाइम्स बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर सीन ऑन द क्रोमोनिमा फाइबर विच आर कॉल्ड क्रोमोमेयर्स। पर हम इनको यहाँ पर न्यूक्लियोजोम नहीं कहते, यहाँ पर हम इनको एक और नाम से जानते हैं। ये स्टोन्स जो है हमारे पास, इनको हम कहते हैं क्या बेटा, इनको हम एक नाम और से जानते हैं, वो कहता हूँ क्या मैं, क्रोमो मेयर। भाई क्लियर हो रही है बात, कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा। क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोनिमा क्या होता है, क्रोमोनिमेटा क्या होता है, और क्रोमोमेयर क्या होता है। ठीक है, हिस्टोन जैसे हमारे पास बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो उनको आप क्या क्या कह दोगे, आप उसको क्रोमोमेयर कह दोगे। अभी तक सेंट्रोमेयर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ये क्रोमोमेयर था। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, टाइप्स ऑफ क्वाइलिंग का, पर वो यहाँ पर हम नहीं देखने वाले, बिकॉज इट इज इरिलेवेंट एज कंपेयर टू द लेटेस्ट, मतलब एज पर द लेटेस्ट एनटीए सिलेबस। ठीक है, ये सब चीजें पेपर में नहीं आएंगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये कुछ हमारे पास कुछ और टर्म्स भी आती हैं जो शायद आपको पता होंगी, सेंट्रोमेयर, काइनेटोमेयर, क्रोमैटिड्स और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मुझे बताओ, मैं कमेंट में वेट कर रहा हूँ आपका कि सर ये सब चीजें पता, हमें पता नहीं, हमें बता दो एक बार। देखो सेंट्रोमेयर, काइनेटो कोर, क्रोमैटिड, ये बातें पता होती है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ही पता होती है। ठीक है, नहीं पता तो बता दो, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन में लिया नहीं, मैंने कहा क्यों टाइम खराब करूंगा यार बच्चों का। ठीक है ना, क्यों टाइम खराब करूंगा, आप मुझे बता दो यार ये सब चीजें, सर ये सब चीजें हैं और हमें आप पढ़ा दो। ठीक है, देन आई विल टीच यू, बताएं सर। ठीक है सर, बीडीएस का स्कोप अच्छा है एज अ ऑप्शन, बेटा बिल्कुल अच्छा है। अगर आप बेटा दुनिया के सबसे अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हो ना, तो बेटा बीडीएस के अलावा दुनिया में आपके लिए कोई और अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। इफ यू कैन बिकम द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डेंटिस्ट, तो बेटा आपके लिए दुनिया में इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती है। दुनिया में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो सब बेटा कुछ सोच समझ के ही बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखना। दुनिया में वो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक गार्डनर है। आप वो बात थोड़ी सी अजीब से लगेगी, बिल्कुल अंगूठा टेक है, बिल्कुल अंगूठा लगाता है वो, मतलब उसको लिखना भी नहीं आता, फोन नंबर भी उसको चलाने नहीं आता, उसको फोन में गाने चलाना जानता है, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता, आप समझ रहे हो मेरी बात को। एंड वो हमारे यहाँ पर क्वार्टर्स है हमारे पास, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में वो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आता है। और आप सच बताऊं मैं आपको, मतलब गार्डनर्स और भी आते हैं, मालिक कहते हैं उनको, ठीक है, बट क्योंकि वो घास बहुत बढ़िया तरीके से काटता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से घास काटता है, और घास को ऐसे काटेगा तो लगता है कारपेट बिछा रखा है, बिल्कुल कारपेट बिछा रखा है। और हम लोग उसे लिटरली वेट करते हैं, और हम उसको बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं, मतलब हम नॉर्मली अगर हम किसी गार्डनर को 100 रुपये पे कर रहे हैं पर विजिट के, एक बार हमारे गार्डन में सफाई करने के लिए, हमारे घर के बाहर गार्डन है जस्ट इस कैमरे के पीछे, ठीक है, तो उसको हम बेटा 500 रुपीज उसको पे करते हैं, आप समझे मेरी बात को, मतलब ही इज अर्निंग 5 times मोर देन द नॉर्मल गार्डनर। वाई, बिकॉज ही नो द गार्डनिंग, उसको बेटा गार्डनिंग का काम पता है, उसको पता है ये तरीका कैसे करना, ये इस काम को करने का क्या तरीका है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको पता चल जाए कि आरसीटी को हम पेनलेसली कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका लगाने पर मैं आरसीटी करूंगा इसकी, तो इसको दर्द नहीं होगा, तो आप एक पेशेंट ही कर देना, देखना वो पेशेंट आपके पास जब भी उसके दांत में दर्द होगा, वो आपके पास ही आएगा कि मैं इसकी आरसीटी करवा कर आता हूँ। वरना लोग आरसीटी करवाते नहीं, कहते हैं आरसीटी में बड़ा दर्द होता है, वो मुंह के अंदर घुस के पिन चुभोता है, मैं आरसीटी करवाने नहीं जाऊंगा, मेरा तो भाई यही करवा दो जो हो रखा है, मतलब मेरे को करवाना ही नहीं आगे काम, मुझे करना ही नहीं, मेरे तो दांत दाड़ निकलवा दो। मेरे साथ हुआ था, आपको सच बताऊं, मैं मेरी जो क्या कहते हैं 16th, ये जो है ना 16th लिखते हैं इसको हम, बेटा निकला हुआ है, ये निकला हुआ है ही नहीं यहाँ पर, ये आप समझ रहे मेरी बात को। तो यही चीज है, ऐसा ही है। ठीक है, तो पर अगर शायद मुझे कभी अच्छा एक डेंटिस्ट मिल गया होता तो मैं उसके पास ही गया होता, अगर उसने मेरा पेनलेसली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया होता तो मैं उसके पास ही जाता। ठीक है, जैसे कि इस वाले में मेरी फीलिंग हो रखी है, ये वाला बहुत अच्छे से काम हुआ था, तो अब मैं इसके पास ही जाता हूँ हमेशा। ठीक है, हमारे पास घर के पास में एक 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 डेंटिस्ट है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप जिंदगी में जो भी कर रहे हो, आप वेटरनरी कर रहे हो, तो बेटा कुत्तों से प्यार करते हुए काम करोगे ना, एंजॉय करोगे उस काम को, तो बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना, मजबूरी में करोगे तो नहीं कर पाओगे, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आती है तो। ठीक है, ठीक है जी। सर नीट ने जो टॉपिक डिलीट कर दिया, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे सीबीएसई में,
बीएमएस और बीडीएस में से क्या चूज करें? बीडीएस चूज करो, बीडीएस चूज करो बेटा, वो ज्यादा सही है। ठीक है चलो आगे आओ, सेंट्रोमियर। बेटा किस पे आते हैं आगे? सेंट्रोमियर पे आते हैं, तो आप सुन लो बेटा सेंट्रोमियर क्या होता है। सेंट्रोमियर इज नथिंग बट द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या हुआ करती है हमारे पास? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हुआ करती है। ठीक है, व्हाट इज सेंट्रोमियर? एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम इज कंपैरेटिवली नैरो देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, पतला हुआ करता है, दस इट इज कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे चीज पतली हो जाती है, जैसे कि आप पूरे क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे, इफ 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 यू लुक एट द कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है पक्का? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस वाले पार्ट पर देखते रहे ना, देखो बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखो ये हो गया हमारे पास क्या, दिस इज द क्रोमोनिमेटा, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास क्रोमोनिमा। ठीक है, मतलब डबल फॉर्म में, डबल हेलिकल है तो हमारे पास हो गया क्रोमोनिमा। ठीक है पक्का? अरे यार बोलो हाँ या ना। ठीक है चलो, ये हो गया क्रोमोनिमेटा, ये हो गया क्रोमोनिमा, मतलब डबल फॉर्म क्रोमोनिमा कह देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर ना, बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल पतला पतला, ये यहाँ पे ऐसे करके फोल्डिंग नहीं करते, बिल्कुल ऐसे करके पतला हो जाता है वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है इतना पतला हो गया है यहाँ से, ये मेरे प्यारे बच्चों, सो इट अपियर्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन, ऐसा लगता है बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल पतला हो गया है। तो यहाँ पे जो पतला हुआ है, इस पतले से पार्ट को मैं कहता हूँ क्या, क्या कहता हूँ बेटा इसको, कहता हूँ क्या मैं, सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बेटा ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी। सेंट्रोमेयर इज नोन एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इफ यू डोंट नो, ठीक है ना, प्लीज मेक श्योर कि आपको ये वाली बात याद आ जाए, समझ आ जाए कि हमारे पास क्या हुआ करता है। ठीक है पक्का? ओके आगे आते हैं हमारे पास। ठीक है, ये आपको नजर आता है कब बेटा? ये आपको नजर आया करता है एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज पे इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आके लगे होते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स। क्या लगे होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर आके लगे होते हैं, और सच में ट्रूली बताऊं मैं आपको तो इसके ऊपर नहीं लगे होते, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी एक ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कैसे करके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता है ये, कुछ ऐसा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटो कोर। क्या होता है बेटा, कहता हूँ क्या मैं, काइनेटो कोर। ठीक है, एंड इस काइनेटोकोर पे आके चीजें चिपका करती हैं। पक्का भाई, बढ़ जाए आगे, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा जब क्रोमोसोम्स इसको, जब स्पिंडल फाइबर्स को दोनों साइड से खींचेंगे, मतलब कि जैसे आप मान लो ना कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, क्या है हमारे पास, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर के ऊपर इधर एक डिस्क लगी हुई है, एक डिस्क इधर लगी हुई है, ठीक है ना, आगे पीछे, मतलब ऐसे ऐसे लगी हुई है, एक नजर आ रही है आपको, ये ऐसे घुमा के दिखाऊं मैं आपको, सो दीज आर द डिस्क दैट आर प्रेजेंट। अब क्या होगा, जो हमारे पास बेटा यहाँ से जो चीज आ रही है हमारे पास, ये जो चीज आ रही है, ये फाइबर्स आए, ये आए, या कि क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे, जैसे इस पर अटैच कर गए, ऐसे इधर से आएंगे और आके इस पर अटैच कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, तो खींचने के बाद क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम जो आपको अभी यहाँ पर बाइवेलेंट फॉर्म में, जो आपको मतलब आप मान लो कि इसके आपको चार आर्म्स नजर आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये टूट जाएगा, ये क्या करेगा, ये बीच में से स्प्लिट करेगा कुछ इस तरह से, इट विल स्प्लिट लाइक, ठीक है, और जब स्प्लिट करेगा क्या करेगा, जब ये मेरे प्यारे बच्चों स्प्लिट करेगा तो अभी आपको नजर आएगा कुछ, ऐसे, ठीक है, ये हमें कुछ नजर आ रहा होगा बेटा, कुछ ऐसे ही हमें नजर आ रहा होगा, और उसके अंदर हमें ये चीज भी नजर आ रही होगी, ये डीएनए है, मतलब ये क्रोमोनिमेटा है, एक क्रोमोनिमा आप कह सकते हो। ठीक है, ये कुछ हमें ऐसा नजर आ रहा होगा, बाकी जो व्हाइट कलर का पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये अंदर इसके वो क्या है, वो है हमारे पास मैट्रिक्स। क्या है वो हमारे पास बेटा, वो दैट इज द मैट्रिक्स, और इसके बाद जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज द पेलिकल, ये प्रोटीनेशियस लेयर है, ये नॉन जेनेटिकल है, ठीक है ना, जेनेटिकल पार्ट सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर वाला पार्ट है जो यहाँ पे मैंने बनाया है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो चीज क्रिएट होकर आई है, ये चीज बेटा क्रिएट होकर आई है, दिस इज कॉल्ड द क्रोमैटिड, इसको हम कहते हैं क्या, क्रोमैटिड। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम से निकले हैं, तो यहाँ पर आप इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह सकते हो। क्या भी कह सकते हो आप उसको, आप इसको सिस्टर क्रोमैटिड भी कह सकते हो। पक्का भाई, बढ़ जाए आगे, आसान है मुश्किल है, आसान है। ठीक है चलें जी आगे आते हैं, एक चीज यहाँ पे और दे रखी है हमारे पास, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या दे रखी है हमारे पास, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो कहते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी एक या दो कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला करती है। ठीक है ना, कहाँ पर, क्रोमोसोम से कुछ जगहों पर, जो कहता हूँ क्या मैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्या कहता हूँ उनको मैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एंड ह्यूमंस में बेटा इसको हम क्या करते हैं, क्या NOR, क्या कहते हैं इसको हम, NOR, न्यूक्लियोरल ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है ना, ये हमें क्रोमोसोम नंबर 13 पे, 14 पे, 15 पे, 21 पे और 22 पे हमें देखने को मिला करती है ह्यूमंस में। समझ आई मेरी बात भाई, पक्का है? अरे हाँ या ना,
नहीं आ रही मेरी बात, क्या समझ में? चलो मैं आपको एक हल्की सी ऐसे समझाता हूँ। देखो 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 देखो, जैसे कि हमने बोल दिया कि ये हमारा क्रोमोनिमा है। ये क्या है हमारे पास? ये क्रोमोनिमा, ये क्रोमोनिमेटा पार्ट है, ठीक है जी। देखते रहना देखते रहना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे करके, मतलब डीएनए का कुछ पार्ट क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इस, अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो क्या होगा, आप देखते रहना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हिमाला पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके सूजन सी इसके ऊपर आ जाएगी, एक कंस्ट्रिक्शन सी क्रिएट होगी, यहाँ से कुछ क्या हो गया, पार्ट इकट्ठा सा हो गया है, ठीक है। ये पहले कल था, तो ये जो चीज ऊपर इकट्ठी हो रही है, जो एडिशनल चीज यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, दिस चीज, ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कह दिया करते हैं, ठीक है, पक्का। कुछ बुक्स में हम इसको सैटेलाइट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको? सैटेलाइट या ट्रेबेंट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको? सैटेलाइट या ट्रेबेंट भी कहते हैं, पक्का। क्रोमोसोम्स के सैटेलाइट पार्ट्स आर कॉल्ड SAT क्रोमोसोम्स। SAT मतलब साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, पक्का। क्या बोल दिया सर आपने? इतना डिटेल में तो सर हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ अभी, इसको छोड़ दो। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या हो गया है, ये हमें कौन कौन से क्रोमोसोम देखने को मिलती है, आप इसको बस इसका याद रखना। दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज विजिबल इन क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14, क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 21 और 22। इन क्रोमोसोम्स में आपको ये ट्राइबैंड या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सैटेलाइट देखने को मिलेगी। सैटेलाइट क्या होती है, ये मैं अब आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आसान है, पढ़ जाए आगे, आया ना? ओके चले 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 आगे बढ़ते हैं वहां पर। ओके लेट्स कम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट एंड टेलोमर्स किस पे आते हैं बेटा? हम सैटेलाइट और टेलोमर पे हम अपन आते हैं। देखो आपको यहाँ पे मैंने बना के दिखाया, आपको जो बेटा यहाँ पे मैंने बना के दिखाया, अब मैं आपको अगली बार सही तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास क्रोमोनिमेटा है, और ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर यहाँ पे पहले कली कोटिंग होगी, मैं वो बना नहीं रहा, ठीक है। अभी क्या होता है कि कुछ जगहों पर यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये कुछ ऐसे करके आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बिल्कुल कोने वाली जगहों पर, कौन कौन, ठीक है जी। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आने लगे, आपको लगेगा कि ये जो डीएनए क्या कर रहा है, ये राउंड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, और ऐसे करके बिल्कुल पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, बिल्कुल ही पतला हो जाता है, और ऐसे करके खिंच जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज बनकर आती है, इसको कहता हूँ क्या मैं, सेटेलाइट। क्या कहता हूँ इसको? इट इज कॉल्ड दी, तो आप इसको देखेंगे, दिस अपीयर्स लाइक दिस, इट को फिर यहाँ पे थोड़ा सा पता, फिर यहाँ में कुछ क्रोमोसोम नजर आया करता है। क्रोमोसोम जो हम देखते हैं ना किताबों में, बिल्कुल वो आइडियल क्रोमोसोम हुआ करता है, एक्चुअली क्रोमोसोम की शेप कुछ ऐसी हुआ करती है जैसे मैंने आपको बना के दिखाई है। सो दिस इज द आइडियल शेप ऑफ द क्रोमोसोम। अगर मैं यहाँ पर आपको लेबल करके दिखाऊंगा, मेरे प्यारे बच्चों, तो दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जिसको आप लोग सेंट्रोमेयर कहते हो, ठीक है ना। ये हमारे पास, ये दिस इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसको आप लोग सेटेलाइट कहते हो। क्या कहते हो उसको? आप सेटेलाइट कहते हो का जी, पक्का। इसके ऊपर यहाँ पर आपको काइनेटोकोर लिखे नजर भी लगे हुए भी नजर आ जाएंगे, दिस आर द काइनेटोकोर, इजी, पक्का। ये जो चीज यहाँ पे फैली पड़ी है, जो फैली पड़ी है, दिस इज द मैट्रिक्स, ये बेटा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, पक्का, ओके चलें। तो यहाँ पर सैटेलाइट है, यहाँ पे इसी सेकेंडरी क्रोमोसोम को, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को कई बारी मैं सैटेलाइट भी कह देता हूँ। क्या भी कहता हूँ इसको? समटाइम इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द सैटेलाइट या SAT सैटेलाइट, ठीक है। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज नथिंग बट दी, हम इसको कहते हैं कि, तो सैटेलाइट हम इसको SAT, आप याद रख रहे हैं कि सैटेलाइट में हुआ करता है, ठीक है। SAT की फुल फॉर्म होती है हमारे पास क्या? साइन, सुन लो, साइन एसिड थाइमो थाइमो न्यूक्लिनिको ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है SAT की,
उसको कहता हूँ क्या मैं, सैटेलाइट। ठीक है, इस पार्ट में बेटा बेसिकली क्या हुआ करता है, इसी पार्ट में, दिस पार्ट कंटेन्स द रिपीटेटिव डीएनए। बेटा इसके पास क्या हुआ करता है, इसके पास रिपीटेटिव डीएनए हुआ करता है, और इसी रिपीटेटिव डीएनए को, इसी रिपीटेटिव डीएनए को हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। कहाँ पे यूज करते हैं उसको, दिस इज द रिपीटेटिव डीएनए एंड इट इज यूज इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सही है जी, पक्का आया ना, पढ़ जाए। चल, सिंगल क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड काइनेटोकोर्स होते हैं बेटा, हर एक क्रोमोसोम में दो काइनेटोकोर्स हुआ करते हैं। ठीक है जी, चलें भाई बढ़े आगे। ओके, आगे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं, टीलोमेर पे आते हैं। इस पे आते हैं बेटा, टीलोमेर पे आते हैं। तो कहते हैं कि क्रोमोसोम्स हैव पोलैरिटी एंड पोलर एंड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स एंड इट इज कॉल्ड द टीलोमेर। क्या कहते हैं उसको, हम टीलोमेर कह दिया करते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो के जो उसके टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के, जो टर्मिनल पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है बेटा, जो टर्मिनल पार्ट है। नॉट दिस, नॉट लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आपका समझ आ जाए। मेरा मेरा पूरा पूरा ध्यान ही आपके, आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे। ये जो पार्ट है अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द टीलो मेयर, इसको हम टीलोमेयर कह दिया करते हैं। आउटर पार्ट, ठीक है, अंदर पूरा ये बुढ़िया ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब चलें, ये हो गया हमारे पास क्या, टीलोमेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो टीलोमेयर है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये टीलोमेयर। अच्छा, ये वाला पार्ट पोलर होता है, इस वाली बात का ध्यान रखना। ठीक है, टीलोमेयर बनता कैसे है, तो टीलोमेयर की जो फॉर्मेशन होती है ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर टीलोमेयर नहीं होगा, अगर टीलोमेयर नहीं होगा तो जो चांसेस हैं किसके, म्यूटेशंस के, वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि टीलोमेयर ये करते हैं, टीलोमेयर जीन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो मेजोरिटी ऑफ द जीन्स होते हैं ना बेटा, वो इस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट दिस रीजन, वो इस वाले रीजन में प्रेजेंट हुआ करते हैं। आउटर रीजन में, आउटर एंड्स पे, इन वाले एंड्स पे, टीलोमेयर वाले एंड्स पे बेटा ये प्रेजेंट ये नहीं होते हैं। ठीक है, जीन्स आर प्रेजेंट इन ओनली एंड ओनली दिस पार्ट्स। ठीक है, टीलोमेयर इज वेरी मच रिच, टीलोमेयर इज वेरी वेरी रिच इन गुआनोसिन। किसमें बेटा, हमारे पास ये गुआनिन बेस में क्या हुआ करता है, बहुत ही ज्यादा रिच हुआ करता है, इट इज रिच इन द गुआनिन। ये बेटा पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है, अब आप इस वाले बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पक्का। तो कहता है यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज टीलोमरेज। क्या कहलाता है हमारे पास, टीलोमरेज। एंड टीलोमरेज जो हमारे पास एंजाइम है, दैट इज अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, वो हमारे पास एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, एंड इट प्रिवेंट्स द चांसेस ऑफ कैंसर। बिकॉज टीलोमेयर जितना ज्यादा लंबा होगा, उतने ज्यादा जो मतलब मान लो कि म्यूटेशन होती है, तो म्यूटेशन कहाँ पर होगी, म्यूटेशन कभी भी ना बीच वाली जगह पर नहीं हुआ करती, म्यूटेशन हमेशा कोने पर होती है। और बाय एवरी डिविजन ऑफ सेल, हर सेल की डिविजन के बाद जो टीलोमेयर है वो 8 से 10 बेसिस छोटा हो जाया करता है, और छोटे होने की वजह से, जैसे कि एक सेल मान लो एक दिन में एक बार डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि एक दिन में मान लो कि 10 बेस पेयर कम हो जाते हैं, मान लो ऐसे करके। ठीक है, तो बेटा एक एक साल में कितने कम हो जाए, मतलब एक महीने में कितने कम हो जाएंगे, एक महीने में 300 बेस पेयर आए ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, तो एक साल में कितने कम हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3000, मतलब अगेन 10, तो लगभग लगभग 4000 बेस पेयर एक साल में कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ कि 50 साल में कितने कम हो जाएंगे, 50 ईयर्स में। ठीक है, तो आप बोल दोगे सर 15 to 20,000 बेस पेयर, 20,000 बेस पेयर की कमी की वजह से, 20,000 बेस पेयर की कमी की वजह से यही होता है कि जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन होनी शुरू हो जाती है आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल बाद म्यूटेशन होनी शुरू हो जाती है, और उन म्यूटेशंस मतलब जो लेट लेट कहते नहीं है, अच्छा उसको आखिरी टाइम में कैंसर हो गया था, तो आखिरी टाइम में कैंसर होने का क्या मतलब है, अभी तक तो नहीं हुआ था, पर अब क्यों हो गया, क्योंकि टीलोमेयर की जो लेंथ है वो टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है, काम होती चली जा रही है, और आखिरी में टीलोमेयर छोटा पड़ गया होगा, इस वजह से जो म्यूटेशन थी वो टीलोमेयर में ना होकर वो जीन में म्यूटेशन हो गई। टीलोमेयर तो रिपीटेटिव डीएनए है, वो तो रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को, रिपीटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग डीएनए होता है, जो म्यूटेशन होगी तो नजर नहीं आएगी, बट अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्ट में म्यूटेशन हो गई, अगर किसी जेनेटिक पार्ट में म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन हमें नजर आएगी, एंड दैट म्यूटेशन विल बी लीथल। ठीक है जी, पक्की बात है, क्लियर हो रही है वाली बात, आसान है मुश्किल है, सर आसान है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए हमारे इतना ही करना था, इसके बाद मैं पढ़ाने के तो आपको और भी आया था, जैसे कि आपको मैंने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ाने थे, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब चीज़ मैंने आपको पढ़ानी थी, बट मैं आज आपको ये सब चीज़ें बेटा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ानी तो थी आपको, देखिए आप पोजिशन के बेसिस पे सेंट्रोमियर और नंबर के बेसिस पर सेंट्रोमियर पढ़ाना था मैंने आपको, ठीक है ना, ए सेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक सब पढ़ाना था, बट मैं आपको नहीं करवा रहा। ठीक है,
क्योंकि हम बढ़ रहे हैं आगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल ये सब चीजें, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे क्या, सलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, हमारे पास पॉलिटिन क्रोमोसोम्स, लैम ब्रश क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, मेगा क्रोमोसोम्स, आइसो क्रोमोसोम्स, रिंग क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, क्रायोग्राम क्या होता है, क्रायोटाइप को हम कैसे स्टडी करते हैं, ग्रुप ए बी सी में हमने कौन कौन से क्रोमोसोम्स किस किस नंबर के हिसाब से डाल रखा है, सबसे छोटा क्रोमोसोम्स कौन सा होता है, आइडियोग्राम का क्या सीक्वेंस हुआ करता है, बी क्रोमोसोम्स क्या हुआ करते हैं, विल्सन और मेटापोडियन इंसेक्ट्स में क्या काम करता है विल्सन ने, सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल के लिए आप तैयार रहें बेटा, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आप मेरे से आके अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, और उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल लाइव हुआ करती है, बिकॉज इट इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग, ओके। आप यहाँ पे अपने लीडर अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हर क्लास के बाद बेटा करता हूँ लाइव पोल्स लेता हूँ, लीडर बोर्ड हुआ करता है, बच्चे यहाँ पर ऑप्शन मार्क करते हैं, ऑप्शन मार्क करने के बाद उनकी रैंक लगती है, एनालिसिस हुआ करती है टेस्ट की, ठीक है ना। आपको पता लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप कितने आगे हो कितने पीछे हो, ठीक है ना, आप टॉपर आपसे कितना आगे है, मेजोरिटी बच्चे कितने आपसे पीछे हैं, सारी बातें यहाँ पे पता लगा करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बेटा, जो डाउट क्लास है वो बिल्कुल एक लाइव डाउट क्लियर क्लास हुआ करती है, यहाँ पर आपने बस एक फोटो खींच के डालनी होती है, यहाँ पर आपने क्या करना होता है, बस एक फोटो खींच के यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। और यहाँ पर बेटा मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप भी आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपने बेटा, उसके लिए आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसको फटाफट इंस्टॉल करें अपने फोन में। जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हो, जैसे क्या करते हो, उसको इंस्टॉल करते हो, वैसे ही आगे बढ़ जाए और प्लस पे क्लिक करें, कहाँ पे क्लिक करें, प्लस पर, प्लस पे क्लिक करते आएगा नीट यूजी का ऑप्शन, उसको चूज करें, आएगा गेट सब्सक्रिप्शन पार्ट, तो सेलेक्ट द सब्सक्रिप्शन पार्ट, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मेरी बात मानेंगे तो बेटा आप सब्सक्रिप्शन लेंगे 12 महीने 24 महीने की सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छी रहती है, दिस सब्सक्रिप्शन इज वेरी 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 ग्रेटफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, वाई, क्योंकि इसमें आप मेरे से लॉन्ग टर्म तक जुड़ सकते हैं, लंबे टाइम तक आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और जब आप मेरे से लंबे टाइम तक जुड़ेंगे तो बेटा मैं आपको ज्यादा चीजें बता पाऊंगा, नॉट ओनली द नॉलेज, नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नीड, ऑल्सो अबाउट समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर हॉलिस्टिक यू नो प्रिपरेशन, पूर्ण रूप से संयुक्त रूप से जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता पाऊंगा। फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड, आप ये कोड को अप्लाई करेंगे, कोड इज वेरी सिंपल, VISHESH, इस कोड को अप्लाई करें और फटाफट आप लर्निंग ऐप पर पढ़ने के लिए आ जाएं, वो बेटा पढ़ने में वहां पर एक अलग टाइप का मजा आता है, ठीक है। चलें, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ये भी ले सकते हैं, ये 12 मंथ्स और 24 मंथ्स की है, ठीक है ना, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट, यू हैव टू अप्लाई दिस कोड, आप ये कोड को अप्लाई करेंगे और फटाफट लर्निंग ऐप पर आ जाएंगे, ठीक है, पक्का, बढ़ जाएं आगे। ओके, तो ये जस्ट इस चैनल है बेटा, इसको क्या करो, इसको आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ठीक है, सॉरी टेलीग्राम को आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और इस ग्रुप को क्या करो, इस ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ। जैसे आप इसमें ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने का फायदा क्या है, ज्वाइन होने का बेटा फायदा ये है कि आपको यहाँ पर बेटा PDFs बेटा बहुत अच्छे से अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक है। चलें, तो अगर आप नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सब चैनल्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीट वोयाक, अनअकैडमी नीट, नीट टॉपर, नीट तेलुगु और जस्ट नीट, तो आपके पास है ही एक सुपर ऑसम चैनल, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस, एंड मेक श्योर ये जो हमारे पास हैशटैग है जस्ट नीट लाइव डेली, ये हर जगह पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा हो, ठीक है। तब चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।